ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज मुझे बताइए सब जन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग नितिन, मेगर, जैस्मिन, नितिन, विधि, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मुकुल, युक्ता, रुचिता, हर्षिता, ओके, चलो फटाफट आ जाइए, हम शुरू करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग शिवम, चेतन, मुकुल। चलो पेनल्टी अगर सबने पूरी की होगी, कल जो मैंने पेनल्टी दी थी वो अगर आपने पूरी की होगी, बेस्ट ऑफ द थिंग्स, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी प्राउड ऑफ यू। कल कुछ बच्चों ने मुझे टैग भी किया पेनल्टी पूरी करके, मुझे मैसेज भी सेंड किया इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप भी सेंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वहां पे टैग भी कर सकते हो, तो थोड़ा हम टच में भी रहेंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे। ठीक है, चल शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। कल हमने क्या किया था, तो कल हमने भैया एक ही बात की थी कि हमने जो बोट कैरी की थी उस बोट को हमने उठा के साइड में रख दिया था, बस इतनी चीज हमने कल की थी। बोलो हाँ, है ना? ये चीज होने के बाद में, होल्ड, ये चीज होने के बाद में हमने पूरे चैप्टर्स के लिए सेटरेंडम याद की थी। तो आज सबसे पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर के लिस्ट का रिवीजन लेना चाहूंगा, पर मैं चैप्टर के लिस्ट का रिवीजन आज पहले स्टार्टिंग में सीधा नहीं लेना चाहूंगा, मैं चैप्टर लिस्ट का रिवीजन थोड़ा आज उल्टा लेना चाहूंगा। उल्टा मतलब आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, लेट्स सी आपको आता है नहीं आता है। कमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों, आपने खुद के मन में भी बोला और मुझे बताया भी, तो मेरे तक तो आवाज पहुंच जाएगी, टेलीपैथी चल रही है यहां पे बहुत दिनों से अपने बीच में। ठीक है, कुछ कनेक्शन है कि आप बोलते हो, आप होमवर्क करते हो, मेरे को समझ में आता है, नहीं करते हो तो भी समझ में आता है, मेरे को नंबर भी पता होता है कितने लोगों ने, तो टेलीपैथी है, थोड़ा सा ऐसा कैसे कनेक्शन होना चाहिए जिंदगी में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आया, आप बोलो तो मैं शेर बताऊं आपको, अगर शेर आपको सुनना है तो मुझे बताओ, जरा कमेंट्स में बताओ, शेर सुनना चाहोगे क्या? जंगल वाला नहीं, सुनने वाला, ठीक है, जिसके ऊपर तुम वाह 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 कर सको। तो अगर तुमको ऐसा कोई शेर सुनना है तो मुझे बताओ, तो मैं आपको एक जरा शेर बोलो, इरशाद, इरशाद बोलूंगे तो मैं शेर सुनाऊंगा, बोलो इरशाद, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। शेर कुछ इस कदर है, शेर कुछ इस कदर है, जिंदगी में आप जैसे लोग दोस्त बन के बार बार मिलने चाहिए, जिंदगी में आप जैसे लोग दोस्त बन के बार बार मिलने चाहिए। बोलो वाह 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 वाह, बोलो बीच में जरा, जिंदगी में आप जैसे लोग दोस्त बन के बार बार मिलने चाहिए, अगर अगर ख्वाहिशे फुर्सते अंदाज या शौक मिले ना मिले, जिंदगी में आप जैसे लोग दोस्त बन के बार बार मिलने चाहिए, अगर ख्वाहिशे फुर्सते अंदाज ना मिले लेकिन दिल के तार मिलने चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? बोलो वाह 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 वाह, फिर से रिपीट करता हूं, रिवीजन रिवीजन, जिंदगी में आप जैसे लोग बार बार मिलने चाहिए, दोस्त बन के आप बार बार मिलने चाहिए, अगर ख्वाहिशें फुर्सतें आदतें मिले ना मिले लेकिन दिल के तार मिलने चाहिए। चलो थैंक यू सो मच गाइस, इसी शेर के साथ आज अपन शुरू करते हैं, चैप्टर का उल्टा रिवीजन लेंगे। अगर पसंद आया आपको शेर तो जरूर बताना, और भी अपन शेर मारेंगे, ठीक है, अपन शिकारी है, शेर तो मारते रहेंगे। ठीक है, लेट्स गो, चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्लास थोड़ी सी छूट जाती है, तो बेटा 10 बजे आके वी स्मार्ट के चैनल के ऊपर सर्च करते रहो, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपने बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस करना जरूरी है, बेल आइकॉन के ऊपर आप जब प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करोगे तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, दूसरी बात,
अगर आपको ये चैनल पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपने एक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दर्शन खरेज लॉजिक्स। दर्शन खरेज लॉजिक्स करके मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर और 1,09,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। तो वहां पे मैं नॉर्मली लाइव वगैरह आते रहता हूँ, इंटरेक्शन करते रहता हूँ। ये वी स्मार्ट का चैनल है, वी स्मार्ट के चैनल के ऊपर तो सभी टीचर्स आते हैं, लेकिन एक खुद का भी चैनल है, 1,09,000 10,000 सब्सक्राइबर है, वहां पे मैं बार बार लाइव आते रहता हूँ। आपने उसको भी सब्सक्राइब करके रखना, क्लियर है? चाहिए तो मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, फिर अपन वापस से शुरू करते हैं, ठीक है? मतलब वहां पे भी जो मैं चीजें काम की बोलता हूँ, वहां काम की चीजें बोलता हूँ, थोड़ी सी डिटॉक्स, लॉ बाइट्स, ऐसे कुछ अच्छी अच्छी चीजें मैं बोलता हूँ, सो आप वहां पे भी देख सकते हो, ठीक है? वहां पे भी ये सभी लेक्चर्स अपलोडेड रहेंगे, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। और ये फाइनल तक के बियॉन्ड सीए भी आपको चैनल हेल्प करेगा, ठीक है? वहां एडवर्टीजमेंट काफी कम होती है, सिर्फ कंटेंट लेक्चर्स ही हम काफी ज्यादा पुट करते हैं, तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर रिवीजन बच्चों, आ जाइए, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। सबसे लास्ट चैप्टर कौन सा है? तो है बच्चों ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। आपने स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, आपने स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन याद करना है, मन के मन में बोला तो भी चलेगा, सेक्शन नंबर 139 से लेके 148। नेक्स्ट चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 128 से लेके 138। नेक्स्ट चैप्टर आप कमेंट में भी लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट चैप्टर डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट, डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट सेक्शन नंबर 123 से लेके सेक्शन नंबर 128, शानदार। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज सेक्शन नंबर 88 से लेके 122। बहुत बढ़िया, जितने लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप कमेंट्स में रिप्लाई कर रहे हो, आपको जितना इंटरेक्शन करोगे उतने देर तक याद रहेगा बेटा, उतने ज्यादा दिन याद रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं बोलू तो चार्जेस ऑन असेट, दैट इज सेक्शन नंबर 77 से सेक्शन नंबर 87। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डिपॉजिट, दैट इज सेक्शन नंबर 73 से लेके सेक्शन नंबर 76, शानदार, सभी लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं आपको बोलू तो दैट इज बोलो दैट इज नेक्स्ट चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, दैट इज सेक्शन नंबर 43 से लेके सेक्शन नंबर 72। नेक्स्ट चैप्टर शेयर कैपिटल डिबेंचर के बाद में प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, बहुत बढ़िया, जो लोग सेक्शन में कमेंट में कमेंट्स में सेक्शन लिख रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 23 से लेके सेक्शन नंबर 42 प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर, सबको शायद पता ही होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, दैट इज सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22। और सबसे आखिरी प्री ली मी न री प्रिलिमिनरी सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 2। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? आई होप सो आपको ये सभी चैप्टर 10 के 10 चैप्टर याद हो गए होंगे। इसी तरीके से इनको याद रखना, मैं कोई भी सेक्शन पूछूं तो स्पेसिफिक ब्रैकेट के अंदर जाके बैठना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फास्ट रिविजन लेते हैं। कल जैसे हमने लिया था कि मैं कोई भी सेक्शन बोलूंगा आपने उसका चैप्टर बोलना है, ठीक है? या आप कमेंट में लिखे या आपने मन में भी बोला तो भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट हम लेने वाले। सो आई एम स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 50। कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है बोलो बोलो बोलो? सेक्शन नंबर 50 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, सेक्शन नंबर 75 डिपॉजिट्स, सेक्शन नंबर 90 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 125 डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट, सेक्शन नंबर 135 दैट इज अकाउंट्स ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 145 दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन नंबर 21 दैट इज फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन नंबर 30 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, सेक्शन नंबर 95 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 85 दैट इज चार्जेस ऑन असेट, सेक्शन नंबर 20 फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन नंबर 120 दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 127 दैट इज डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस कदर आपको सेक्शन याद आनी चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फटाफट 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 आपको ये सेक्शन याद होंगे तो बहुत बढ़िया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? बहुत ही सही, अगर आप इन सबके आंसर दे पा रहे हो तो, ठीक है? ये बिकॉज पिछले 2 लेक्चर में हमने काफी मेहनत की है।
आज मैं जिस चैप्टर के साथ में शुरू करने जा रहा हूं वो चैप्टर का नाम है प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी करके आपका चैप्टर है जिसको आज हम यहां पे कवर अप करने वाले हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कुछ बच्चों ने बोला है सर शिपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, शिपमेंट आई गेस आज से स्टार्ट हो चुकी है या कल से स्टार्ट हो चुकी है। सो अगर आपने एडमिशंस नहीं लिए तो ले लो, आपको बुक्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। नियरली अगले 4-5 लेक्चर्स के अंदर हमको हार्डली बुक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में हमको जरूर बुक्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगले 4-5 लेक्चर में भी आप बुक्स देख सकते हो, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब बुक्स में है, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो शिपमेंट आप ऑर्डर प्लेस करके ले सकते हो, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो ये चीज को भी आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का सेक्शन नंबर है 1 से लेकर सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार जो से 2। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज इस वक्त इस जगह बड़े अच्छे तरीके से याद रखना कहा गया। आज मैं शुरू कर रहा हूं सेक्शन नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, ये नियरली 3 साल का आपका जर्नी है। आपको 148 सेक्शन एक साल में पढ़ने हैं, बचे हुए 3 साल में आपको पूरे के पूरे 350 सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। 320 सेक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं आप पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे। हम सेक्शन 1 से शुरू कर रहे हैं। रेडी? सेक्शन नंबर 1। देखिए, इसके पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक सेक्शन बताया था 447 फॉर फ्रॉड, याद है? 447 किसका है बताओ जरा कमेंट्स के अंदर, 447 किसका है? नालायक लोगों जल्दी फटाफट बताओ, 447 किसका है? फ्रॉड का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो अभी हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन नंबर 1 के साथ में, जो है कोई नहीं बता रहा, एक ही जन बता रहा, कैसी दुनिया हो गई जिंदगी में, ऐसी कौन करता है, पूछा आज सवाल तो अब आया आंसर फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया। फॉपर्सन फॉ फ्रॉड, चलिए फॉपर्सन फॉ फ्रॉ फॉपर्सन फॉ, अच्छा सोचो जिंदगी के अंदर नालायक लोगों, फॉ 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 व्हाट द फ्रॉड, नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फॉपर्सन फॉर फ्रॉड लगे उसके अंदर अजीब अजीब चीजें बोलना शुरू करोगे। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, लेट्स गो, पूरा ध्यान बोर्ड पे। सेक्शन नंबर 1, Welcome to Companies Act 2013. This is Dustin Kaur reporting live from Pune. And today we are going to introduce to the section number 1. Our section number 1 has preamble. Preamble means what? Short title, commencement and applicability. Concepts in English, you know English. हम एक्ट में जा रहे हैं तो थोड़ा ब्रिटिशर्स वाला एक्सेंट आ गया, ब्रिटिशर्स से एक्ट को हमने कॉपी किया है ना। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013. इट एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ इंडिया. This section shall come into force as and when notified by CG. As and when notified by CG. This act may be called as Companies Act 2013. पूरे इंडिया को applicable है और जब CG notify करेगा उसके हिसाब से आएगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने 3 phase का applicability बोला था। अगर आपको याद है 3 phase का applicability बोला था, पहला applicability का date मुझे comments में बताइएगा। ठीक है, पहले एप्लीकेबिलिटी का डेट मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि पहले कितने सेक्शन कंपनीज एक्ट के एप्लीकेबल हुए थे और कौन से दिन से। नियरली ये चीज मैं 2 से 3 बार रिपीट कर चुका हूं, 2 से 3 बार रिपीट कर चुका हूं, तो मुझे कमेंट में चाहिए, मंजे पाइजे मंजे चाहिए, नहीं बोला ना तो याद रखना जिंदगी के अंदर मैं तहलका मचा दूंगा। यहां पे मुझे कमेंट्स में चाहिए, मंजे पाइजे, कौन से दिन कितने सेक्शन के साथ पहला एक्ट अभी कंपनीज एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था। कोई आंसर नहीं दे रहा, नालायक लोगों शर्म करो, तुमको तुम्हारे पिकाचू की कसम। 98 शानदार मुक्ता तूफान जबरदस्त जिंदाबाद, कोई डेट भी बोल दे जिंदगी के अंदर, बाकी डेट्स के ऊपर तो तुम इतना जाते हो, यहां डेट बोलने में क्यों शर्मा रहे हो, इतने डेट्स किए जिंदगी में, यहां एक डेट बोल दो। यस, 12 सितंबर 2013 तूफान अनुजा बेटा, और 98 सेक्शंस के साथ में अप्लीकेबल हुआ था, बहुत ही बढ़िया। 12 सितंबर 2013 98 सेक्शन के साथ अप्लीकेबल हुआ था, फिर 1 अप्रैल 2014 में 183 सेक्शन अप्लाई हुए थे, फिर बच्चों ये सेक्शन 2015 में जून जुलाई अगस्त सितंबर मंथ में अप्लीकेबल हुए थे, बहुत ही तूफान। ये चीज आपने याद रखना, ये सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली बिकॉज सेक्शन नंबर 1 है, एक्ट का स्टार्टिंग है, पता होना चाहिए। आप देखो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, सेल ऑफ गुड्स पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया, पर कभी आपने इनका सेक्शन 1 नहीं पढ़ा होगा, बताइए मुझे पढ़ा होगा तो, क्योंकि आपने कभी इनका सेक्शन 1 पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपने को आपको कभी किसी ने पढ़ाया नहीं। सेक्शन 1 नॉर्मली क्या, नॉर्मली हमेशा भी बोल सकते होते हैं प्रीएम्बल का। 188 नहीं बेटा, 183 सेक्शन के साथ इंप्लीमेंट हुआ था नमन। ठीक है, सो प्रीएम्बल का, सो यहां पे हम कंपनीज एक्ट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, मैंने आपको बोला था ना शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट,
ये तीन चीजें। हालांकि मैंने शॉर्ट टाइटल के जगह पे आपको प्रीएम्बल में स्कोप बोला था, क्या बोला था आपको, स्कोप बोला था, तो यहां शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये तीन चीजें हमको यहां पे कवर अप करनी है। दिस इज एप्लीकेबल टू किसको, बोले एक बार, वोल ऑफ इंडिया नोटिफाइड बाय, किसने बोले एक बार, जो से सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन में मैं डेट लिखना चाहूंगा 12 सितंबर 2013, एंड नंबर ऑफ सेक्शन कितने एप्लीकेबल हुए थे, 98। तो ये हो गया एस ई एंड नालक, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, फॉर्म के ऊपर भरते हो वो नहीं, SEC। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। ये हो गया आपका सेक्शन वन, बुक के अंदर लिख के रखिए फटाफट फटाफट, एक मिनट के अंदर फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखना हो गया तो मुझे कमेंट्स में बताइए फटाफट, हो गया होगा तो। चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आराम से लिखना, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर वन। अब सेक्शन नंबर वन के बाद में मैं जा रहा हूं सेक्शन नंबर टू पे, और नॉर्मली सेक्शन नंबर टू में होते हैं बच्चों डेफिनेशंस। सेक्शन नंबर टू में होते हैं क्या, बोले एक बार, जो से डेफिनेशन, और हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट। तो अभी मैं जो डेफिनेशन लेना चाहूंगा वो डेफिनेशन है इटसेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सस्ते नशे वाली डेफिनेशन, जिस डेफिनेशन को हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या बना दिया, जो है डेफिनेशन कंपनी की, किसकी डेफिनेशन है, कंपनी की। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो अभी हम डेफिनेशन के साथ में शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, पहली डेफिनेशन कंपनी की पता होनी चाहिए। कंपनी ये वर्ड आपको लगेगा कि ये टू सबसेक्शन वन में डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन टू में सभी डेफिनेशन है, सेक्शन टू में नियरली 95 के आसपास डेफिनेशन है, सो सेक्शन टू सबसेक्शन वन से लेकर टू सबसेक्शन 95 के आसपास डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट में, हा टू सबसेक्शन वन से लेकर 95 के आसपास डेफिनेशन है। तो आपको लगेगा कि कंपनी की डेफिनेशन टू सबसेक्शन वन में होनी चाहिए, नहीं, ना 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 ना, कंपनी की डेफिनेशन है टू सबसेक्शन नंबर 20 में, टू सबसेक्शन 20 में ये कंपनी को डिफाइन करता है, टू सबसेक्शन 20 में किसको डिफाइन करता है, कंपनी। आप याद रखना हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, कंपनी। और डेफिनेशन क्यों देते हैं, मुझे एक सवाल का जवाब देना, डेफिनेशन क्यों देते हैं मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, नॉर्मली डेफिनेशंस क्यों बनाई जाती है, फटाफट बताइए क्या जरूरत होती है डेफिनेशन बनाने की, आपने कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेशन क्यों पढ़े, आपने सेल ऑफ गुड्स में डेफिनेशन क्यों पढ़े, व्हाट इज द नीड ऑफ डेफिनेशन, जरा बताइए मुझे कमेंट्स में, व्हाई डेफिनेशंस आर रिक्वायर्ड, फटाफट बताइए क्या जरूरत होती है डेफिनेशंस की, क्यों हमने डेफिनेशंस बनाने चाहिए, क्या समझ में आता है डेफिनेशन से, हैं? मीनिंग समझ में आता है, बहुत बढ़िया अंशिका, अंडरस्टैंड द लॉ, बहुत बढ़िया, कोई जो टर्म है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए काम में आता है, टॉपिक को समझने के लिए काम में आता है, क्लैरिफिकेशन आने के लिए काम में आता है, कितने सही आंसर दिए, जबरदस्त, क्लैरिटी आनी चाहिए, कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए, बहुत बढ़िया, नितिन ने बोला अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग, बहुत बढ़िया, मीनिंग समझ में आना चाहिए, इसलिए डेफिनेशन बनाई जाती है कि भाई ये वर्ड है, ये वर्ड को हमको मीनिंग मालूम नहीं है तो इसलिए डेफिनेशन। जैसे एक वर्ड लेते हैं झेक्को स्लो वाकिया,
जेकोस्लोवाकिया आपने हिस्ट्री में कई बार सुना होगा, वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर वन का जेकोस्लोवाकिया, ये वर्ड का अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो डेफिनेशन में लिखेंगे, जेकोस्लोवाकिया मीन्स अ सिटी जो नॉर्मली किसी देश वगैरह में, मेरे को भी नहीं पता कौन से देश में, पर ये डेफिनेशन में लिखते हैं, इससे मीनिंग समझ में आए। तो भैया कंपनी की इन्होंने डेफिनेशन बनाई, इसलिए बनाई क्योंकि हमको समझ में आए कंपनी क्या है, हमको समझ में आए कि कंपनी क्या होता है। और देखिए इन्होंने कंपनी का डेफिनेशन कितना मस्त बनाया है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, वाह वाह वाह, नशे करके डेफिनेशन ड्राफ्ट करते, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, वाह। अबे साले समझ में आ रहा है जो ड्राफ्ट में है ना उसको, ऐसा तौबा तौबा माफ करना, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं, पर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऐसे कौन डेफिनेशन बताता है, कौन करता है ऐसा? अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा ऐसी वैसी डेफिनेशन बनाता है, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई है। सो कंपनी मीन्स अ कंपनी, कैसी डेफिनेशन है जिंदगी के अंदर? मैं बोला चलो ठीक है, अब ये साले आगे पढ़ते हैं, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। किसको कंपनी मीन्स अ कंपनी? मैं बोला आगे तो कुछ अच्छा बोलेगा, नहीं बोले इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, बोले इस एक्ट के अंदर जो कंपनी बनी होगी वो कंपनी है। हम पागल है? मैं नहीं, तुम पागल हो जो सुन रहे हो, मैं बहुत बड़ा पागल हूं जो इसको पढ़ा रहा हूं पिछले 9 साल से, मैं इतना पागल हूं मैं इसको पढ़ा रहा हूं 9 साल से, मेरे को यकीन नहीं होता, रात को सपने में डेफिनेशन आता है, डराता है मेरे को कंपनी मीन्स अ कंपनी, कई बार मैं खून के साथ नहीं पसीने के साथ रात को उठ जाता हूं कि ये क्या चल रहा है जिंदगी में। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, वाह वाह वाह, क्या बताऊ क्या बताऊ, किस तरीके की तकलीफ है मेरी, कैसे बताऊ। एनीवेज अब ये डेफिनेशन है, मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तुम्हारे पास भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें सीए इंटर लेवल पे इसी डेफिनेशन पे मार्क मिलेगा, बिकॉज यही डेफिनेशन दी है आईची एआई के मॉड्यूल में, आईची एआई मालूम है ना, आईची एआई ने मॉड्यूल के अंदर सेम डेफिनेशन देकर रखा है, तो यही लिखोगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है, इतने लिखने में इतना ही पैसा मिलेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना, तो एक बार डेफिनेशन को याद कर लेना, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। अबे साले तौबा तौबा माफ करना, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं, ठीक है, मतलब ये जब डेफिनेशन बनाते हैं ना तो ऐसी इच्छा हो जाती है बोलने की, तौबा तौबा रहने दो, माफ करो, सारा मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने, ठीक है, ऐसा वाला सिचुएशन क्रिएट होता है जब ये डेफिनेशन ऐसी ड्राफ्ट करते हैं, तो अब करें क्या, जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है। चलो फिर भी तुम्हारे खुशी के लिए, तुम्हारे खुशी के लिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट बोला है, दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। अब जब इन्होंने बोला एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ तो मैं चला गया भैया प्रीवियस कंपनी लॉ का तो कोई डेफिनेशन दिया होगा, तो इन्होंने प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन दिया है 2 सबसेक्शन 67 में। मतलब देखो, मतलब ये गजनी है कि ये कुछ फूक के बैठा है, कुछ समझ में नहीं आता बेटा। 2 सबसेक्शन 20 में कंपनी का डेफिनेशन दिया और 2 सबसेक्शन 67 में प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन मुझे मालूम है, मैं आपको बताऊंगा, पर आदमी क्या मतलब ढूंढते रहते हैं, दो सबसेक्शन 20 में कंपनी पड़ा, अच्छा प्रीवियस कंपनी लॉ वो उधर दिया है, ये तो हद हो गई ना भैया। मतलब यहां कंपनी का डेफिनेशन मलकापुर में और ये 2 सबसेक्शन 67 वाली प्रीवियस कंपनी लॉ के डेफिनेशन मॉरिशस में, ये कहां का न्याय है? मलकापुर मॉरिशस कोई लेन देन है जिंदगी के अंदर? कोई दिक्कत नहीं, आगे। सो कंपनी मींस अ कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ मींस अ लॉ स्पेसिफाइड एज बिलो। अब इंडिया में प्रीवियस कितने कंपनी लॉ हो चुके हैं, वैसे कितने कंपनी लॉ इंडिया में हो चुके हैं तो आपको शायद नहीं पता, तो यहां आती है थोड़ी सी हिस्ट्री। हिस्ट्री अब मैंने बोला था कंपनीज एक्ट का हिस्ट्री अपन पेंडिंग रख रहे हैं, 4 चीजें याद करनी थी, कुछ याद है? हिस्ट्री पेंडिंग था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख लिया, ऑथोरिटी स्ट्रक्चर, चैप्टर स्ट्रक्चर, ये हो गया, पर हिस्ट्री पेंडिंग था, यहां आ गया हिस्ट्री, इसलिए मैंने इसको पेंडिंग रखा था, ठीक है। तो बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, समझ में आएगा। कंपनीज एक्ट 1866, ये इंडिया का पहला कंपनीज एक्ट है 1866 वाला, ये अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाया था, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है। जमाने का मतलब अंग्रेज इसके अंदर जमाते नहीं थे, नालायक लोगों अच्छा सोचो, जिंदगी के अंदर अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है, जमाने का एक्ट नहीं है। दूसरा कंपनीज एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट क्या बोले एक बार जो से, 1882, ये भी अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है, हालांकि ये ऑर्डिनेंस था।
फिर वर्ल्ड वॉर वन के जस्ट पहले अंग्रेजों ने नया लॉ बनाया था 1913 वाला, अंग्रेजों ने नया लॉ बनाया था 1913 वाला कंपनीज एक्ट। आप इसको कह सकते हो कि ये इंडिया का बेस लॉ है। ये इंडिया का कैसा लॉ है? बेस लॉ है। हमको अपना देश पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, तो ये बेस लॉ है। मतलब इसके भरोसे पे इंडिया ने अगले सभी कंपनीज एक्ट बनाए हैं। फिर आया 1942 लव स्टोरी, मतलब जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं हुआ पर प्रेसिडेंट के साथ लव स्टोरी बनाया गया, उस वक्त भी अंग्रेज ही थे, तो ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड वगैरह ने किया होगा 1942। फिर आता है 1956 का कंपनीज एक्ट, जो नियरली चला 2013 तक के कंसेप्ट, 60 साल तक के कंपनीज एक्ट ये चला। और फिर अब हम जिस कंपनीज एक्ट में है, इन धिस लॉ का मतलब है, धिस लॉ का मतलब है दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। ये है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट कि किस तरीके से इंडिया में कंपनीज एक्ट डेवलप हुआ है। ईयर से याद होनी चाहिए, हो सकता है पूछ लेवे। 1866, 1882, 1913, 1942 लव स्टोरी मतलब ऑर्डिनेंस, एंड 1956 का कंपनीज एक्ट, और उसके बाद में अभी हमें कंपनीज एक्ट 2013। तो इन किसी भी लॉज में डेफिनेशन का मीनिंग समझना। अगर 2013 कंपनीज एक्ट में कोई भी कंपनी बना है, 2013 कंपनीज एक्ट में कोई भी कंपनी बना है, तो वो भी कंपनी है। और इन प्रीवियस लॉज में कोई भी कंपनी बना है जो अभी तक एग्जिस्टिंग है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, टाटा सन्स। टाटा सन्स ये जमशेदजी टाटा ने बनाई थी कंपनी। जमशेदजी टाटा ने ब्रिटिशर्स के जमाने में टाटा सन्स को बनाया था, जो आज तक प्रेजेंट है। अब ब्रिटिशर्स के जमाने में अगर उन्होंने 1882 कंपनीज एक्ट में कंपनी बनाया था जो आज तक प्रेजेंट है, तो क्या आप इसको कंपनी नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। तो वही बोला गया है कि जो कंपनी कंपनी इंफोसिस 1956 एक्ट में बनाया गया है, उसके पहले भी बहुत सारी कंपनी, विप्रो 1956 में बनाया। इंडिया की आज के डेट में सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज ये 1956 कंपनीज एक्ट की ही बनी हुई हैं, कुछ उसके पहले की बनी हुई हैं, उनको आज के डेट में भी हम कंपनी कहेंगे, मतलब कहेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो पहले बनी है या अभी बनी हुई है फर्क नहीं पड़ता, उसे हम कंपनी का दर्जा देते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? जोर से बोलो सर। ना कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी, बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी को फिलहाल आप टच ना कीजिए, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेटस भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये डेफिनेशन लिख के रखिए, और समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में बताइए, वीडियो को लाइक ठोकिए, गो फॉर इट फास्ट। थैंक्स सो मच केशव। हाँ, पहले 220 की डेफिनेशन लिख के रखो। आई एम वेरी सॉरी, ये लिखने के पहले ये डेफिनेशन लिख के रखो, 2 सबसेक्शन 20 की। नीचे अबे साले मत लिखना, ठीक है? वो तो सिर्फ मतलब दिखाने के लिए कि कैसी अजीब डेफिनेशन ड्राफ्ट करते हैं, इसलिए ये अबे साले मत लिखना। ये तो सिर्फ कैसे डेफिनेशन ड्राफ्ट करते हो ये बताने के लिए है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यहां आप वो गाना भी इमेजिन कर सकते हो, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ठीक है? चलो डन एवरीबॉडी। लेक्चर 6 कल ही लिया है बेटा, वी स्मार्ट के चैनल पे अवेलेबल है, या दर्शन खरीज लॉजिक चैनल के ऊपर चले जाओ, वहां पे आ जाएगा आज या कल में। चलो नेक्स्ट स्लाइड ये हो गया होगा, तो अब ये स्लाइड पर का डेफिनेशन लिख लो पूरा। अच्छा, कुछ लोग मेरे को सवाल पूछ रहे कमेंट में जैसे आया, ये मैंने जानबूझ के रखा है, मतलब मैं चाहता था आप ये पूछो इसलिए रखा है। चलो अच्छा है, पूछ लिया, मतलब कुछ बच्चे अलर्ट है जो इसको देख रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई, दूसरी चीज मैंने बताई नहीं जो बोर्ड पे है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये क्या है? 10 ऑफ 1866।
सिक्स ऑफ 1882, सेवन ऑफ 1913, ये फिर 54, ऑर्डर नंबर 54 ऑफ 1942, वन ऑफ 1956, ये क्या होता है? ये आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैंने जानबूझ के रखा है इसलिए क्योंकि आपको इसका भी नॉलेज है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू काम का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है मैं मानता हूं, पर अपन नॉलेज ओरिएंटेड लोग हैं, ठीक है? आगे जाके कभी कुछ पढ़े तो दिक्कत ना जाए इस हिसाब से, ठीक है? नहीं, इट्स नॉट अ मंथ, आई विल टेल यू, ये बहुत अच्छी चीज है, बड़े अच्छे से याद रखना। 10 ऑफ 1866, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर अंग्रेजों ने 1866 में 20 लॉज बनाए, अगर 1866 ईयर में अंग्रेजों ने 20 लॉज बनाए, 20 लॉज बनाए अंग्रेजों ने, 20 लॉज पास किए, तो उसमें से इस एक्ट का नंबर है 10, 10 नंबर आउट ऑफ 20 लॉज, मतलब 10वें नंबर का जो पार्लियामेंट में इन्होंने एक्ट पास किया, दैट इज अ कंपनीज एक्ट। 1956 में अगर हम बोले कि 1956 में इन्होंने 50 लॉज बनाए इंडिया में, तो इन 50 लॉज में से फर्स्ट नंबर का जो इन्होंने लॉ पास किया, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956, इसलिए वन ऑफ 1956, सेवन ऑफ 1913, सेवन ऑफ 1913 मतलब 1913 ईयर में जितने भी लॉ पास हुए उसमें से सेवंथ नंबर का लॉ ये था, 82 में जितने लॉ पास हुए उसमें से सिक्स्थ नंबर का लॉ ये था, उस नंबर का ऑर्डर ये था जिसमें ये लॉ पास हुआ गया। क्लियर है आंसर? ये कभी कई बार ऑर्डर नंबर को भी रेफर करता है, जैसे यहां पे है ऑर्डर नंबर 54, ठीक है? तो 1942 में अगर आपने 100 ऑर्डर्स पास किए होंगे उसमें से ऑर्डर नंबर 54 है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस है इसलिए ऑर्डर नंबर 54 आया, बाकी केस में एक्ट का ही नंबर आता है। क्लियर है? ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है? लिख लीजिए। डन। फटाफट लिख लीजिए। फटाफट लिख लीजिए। हो गया होगा तो बोलिए, नहीं हुआ है तो भी बोलिए कमेंट के अंदर। हो गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, नहीं हुआ है तो 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं। नहीं, कंपनीज एक्ट 2013, किसी ने पूछा है सर वन ऑफ 1956 बोला तो 2013 का भी ऐसा है क्या? नहीं, 2013 में जितने लॉ पास हुए उसमें से नंबर देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर का लॉ कंपनीज एक्ट 2013 था, उसका नंबर मेरे को याद नहीं, बिकॉज ये चीजें वैसे भी याद नहीं रखते हम, सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बोले, आप सिर्फ ईयर रखो, याद रखो, दैट इज सफिशियंट। तो ये वन ऑफ 1956 है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज एक्ट भी वन ऑफ 2013 होगा, 2013 का, ठीक है? सो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। चल अब मैं आगे बढ़ता हूं। इस कंपनी के डेफिनेशन से हमको तो घंटा कुछ समझ में नहीं आया कि कंपनी क्या है, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया भैया कंपनी मतलब कंपनी जो इस लॉ में बनी है या पिछले लॉ में बनी है, पर मीनिंग तो समझ में नहीं आया ना, मीनिंग कहाँ है, मीनिंग कहाँ है? क्या आपके डेफिनेशन में मीनिंग है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो क्या आपके डेफिनेशन में मीनिंग है? तो कंपनी जैक के किसी डेफिनेशन में मीनिंग नहीं है, तो हमें चाहिए भैया मीनिंग, ठीक है? क्या आपके डेफिनेशन में मीनिंग है? तो हमें चाहिए मीनिंग, तो हम जरा खोजबीन करना शुरू कर दिए कि भैया ये कंपनी मतलब क्या है, ये कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी का अर्थ क्या है, ठीक है? तो हम बिजनेस रिवॉल्यूशन को देखते हैं एक एक करके, बड़े अशांति से जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये कंपनी का असली मकसद क्या है। मुझे बड़ा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, मैं इसको थोड़ा पार्टनरशिप प्रोपराइटरशिप से कंपेयर करने वाला हूं, कमेंट करना बंद कर दीजिएगा, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, ठीक है? लेट्स गो।
प्रोप्राइटरशिप की जब मैं बात करता हूं तो एक ही बंदा होता है प्रोप्राइटर, एक ही होता है, वो सभी काम करता है, वही एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ब्रीफकेस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, वही आपका टेक्निकल प्रोडक्शन बिजनेस मैनेजमेंट देखता है, वही आर्टिस्ट होता है, वही टेक्निकल साइड देखता है, वही चाय पीता है, चाय बांटता है, तो एक प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा होता है अत्र तत्र सर्वत्र। कंसेप्ट समझ में आया? अब ये बंदे के भरोसे पे समझो कोई स्टोर चल रहा है, स्टोर, ये बंदे के भरोसे पे कोई स्टोर चल रहा है, और समझो इस बंदे को कुछ हो गया, कुछ हो गया, मर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, कोरोना हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया, अजीब मत सोचो नालायक हो। सो इस बंदे को कुछ हो गया, अब प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर को कुछ हो जाता है ना, तो आपका प्रोप्राइटरशिप वाला स्टोर बंद पड़ जाता है अंटिल एंड अनलेस आपके नॉमिनी प्रोप्राइटर को उसको ट्रांसफर ना करो, ठीक है। लेकिन आपके लिए तो स्टोर बंद हो जाएगा, बेटा बाद में संभालेगा खुद के प्रोप्राइटरशिप में, वो बात अलग है, लेकिन यहां प्रोप्राइटर मर गया, बिजनेस बंद। बिजनेस बंद मतलब बंद मतलब बंद, जिग्नेश गया तो बिजनेश भी गया। कंसेप्ट समझ में आया? जिग्नेश गया तो बिजनेश भी गया। अरे समझ में आया क्या? ये प्रोप्राइटरशिप है, जिग्नेश गया तो बिजनेश गया, क्लियर है। फिर हम जाते हैं दूसरे वाले कंसेप्ट के ऊपर, जो है पार्टनरशिप, जो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो पार्टनर होते हैं, मिलके कुछ तो बिल्ड करते हैं अच्छा एक आधा बिजनेस, जैसे लेट्स डू इट टुगेदर, एक बिजनेस बिल्ड किया, तो पार्टनर्स ने मिलके डाली फैक्ट्री, पार्टनर्स ने मिलके डाली फैक्ट्री, और पार्टनर्स ने मिलके फैक्ट्री डाली, उसमें से एक आधा पार्टनर मर गया, एक आधा पार्टनर मर गया, ऐसे ऐसे कैसे मर सकता है? भगवान मालिक है, मौत और जिंदगी अपने हाथ में नहीं होती, वो तो भगवान के हाथ में होती है ना। तो एक आधा पार्टनर मर गया, तो यहां पे भी जिग्नेश गया तो बिजनेस भी गया, या पार्टनर एग्जिट हो गया, एग्जिट मालूम है, दरवाजा खोल के पार्टनर बाहर चला गया, अंदर उसको दूसरे पार्टनर के साथ मजा बिल्कुल नहीं आ रहा था, इसने दरवाजा खोल के वो बाहर चला गया, एग्जिट मार लिया। अरे मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, ये डे तुमने कुछ गंदा मत सोचना, मैं पहले बोल रहा हूं, बहुत धोएगा मैं तुमको। सो यहां पार्टनर एग्जिट मार रहा है, अंदर पार्टनर के साथ मजा नहीं आ रहा था, तो भैया जिग्नेश गया तो बिजनेस भी गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूं? प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में यही होता है कि भैया प्रोप्राइटर गया, पार्टनर गया तो बिजनेस गया। लेट्स कम टू कंपनी। अब कंपनी क्या है, बिजनेस रिवॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कंपनी का कंसेप्ट आया कहां से? देखो प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर शॉप, पार्टनरशिप में पार्टनर्स उनका फैक्ट्री, और यहां पे कंपनी है तो कंपनी में होते हैं मेंबर्स, जैसे प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में पार्टनर, कंपनी में होते हैं मेंबर्स, और जितने ज्यादा मेंबर उतना बड़ा बिजनेस। सो इंडस्ट्री प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर गया तो बिजनेस भी गया, जिग्नेश गया तो बिजनेस भी गया, पार्टनरशिप में पार्टनर एग्जिट मारा या मर गया तो बिजनेस गया, क्योंकि पार्टनरशिप लिक्विडेट हो जाती है, तुमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा है, नया पार्टनर आए या ओल्ड पार्टनर जाए, पार्टनरशिप गया। कंपनी में अगर कोई मेंबर मर गया, यही खास बात है कंपनी की, अगर कोई मेंबर मर गया, कोई मेंबर एग्जिट हो गया, इससे इंडस्ट्री के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, इंडस्ट्री सदा सर्वत्र सदैव युगो युगो तक जन्मों जन्मों तक चलती जाएगी, यह बंद नहीं होगी कंपनी। मेंबर आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, डायरेक्टर आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी चलनी चाहिए। अटल बिहारी जी वाजपेयी का इसके ऊपर एक सेंटेंस है, सरकारें आएगी जाएगी, पॉलिटिशियंस आएंगे जाएंगे, पर यह देश सदैव खड़ा रहना चाहिए, यह देश जरूरी है। उसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के सेंटेंसेस पर से, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे जाएंगे, पर यह कंपनी ये सदैव चलती रहनी चाहिए, इसीलिए इसको कंपनी कहा जाता है। ये मैं प्रोप्राइटरशिप जैसा प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, ये खुद का वजूद लेके चलती है, खुद की आइडेंटिटी लेके चलती है कि मैं अलग हूं, मैं
अस्तित्व में हूं, मेरा कुछ वजूद है, मेरा कुछ अस्तित्व है, ये होती है कंपनी। मेंबर डायरेक्टर चाहे आ जाए। आप सोचिए, जमशेद जी टाटा ने टाटा सन्स लिमिटेड बनाया था, जमशेद जी टाटा आके चले गए, उसके बाद में जेआरडी टाटा आके चले गए, रतन नवल टाटा आके चले गए, उसके बाद में दोराबजी टाटा आके चले गए, अभी वापस से रतन टाटा आए हैं। बराबर है, बोलो हाँ या ना। और फिर आपका टाटा कंपनी फिर भी चल रहा है। सोचो टाटा में कितने एम्प्लॉइज आके गए होंगे, सोचो टाटा में कितने डायरेक्टर्स आके गए होंगे, कितने बिजनेस आके गए होंगे, कितने वेंचर्स आके गए होंगे, पर टाटा सन्स आज भी कायम है। कंसेप्ट समझ में? इंफोसिस में नारायण मूर्ति ने बनाया था, नारायण मूर्ति मेंबर थे, नारायण मूर्ति डायरेक्टर थे, आज नारायण मूर्ति ने इंफोसिस से रिजाइन कर दिया एज अ डायरेक्टर, पर इंफोसिस है। अजीम प्रेम जी विप्रो में है, जाएंगे पर अजीम विप्रो रहेगी। इंटरनेशनल कंपनी की बात करूं तो सफरचंद, सेब, एप्पल, स्टीव जॉब्स ने बनाई। स्टीव जॉब्स को उस कंपनी से निकाला भी गया। आप स्टीव जॉब्स का मूवी देखना, जॉब्स करके मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है, देखना जरूर। स्टीव जॉब्स ने बनाई, स्टीव जॉब्स को उसी उन्हीं की कंपनी से शेयर होल्डर ने निकाल दिया। कंपनी जब वापस डूबने लगी तो स्टीव जॉब्स को वापस बुला लिया और फिर उन्होंने आईफोन लॉन्च किया, जो आज दुनिया में टहल कैसे चल रहा है। जो जो लोग आईफोन यूज करते हैं ना, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जितने लोग आईफोन यूज करते हैं, मेरे को एक चीज का जवाब देना, क्या आपने आईफोन 1 लॉन्च का वीडियो देखा? अगर आप आईफोन 1 लॉन्च का आपने वीडियो नहीं देखा है ना, स्टीव जॉब्स वाला, मतलब ये सेलफोन जो लॉन्च करते हैं, सेलफोन लॉन्चिंग के जो प्रेजेंटेशंस होते हैं ना पूरी दुनिया में, अलग अलग टाइप के, ब्लैक पूरा बैकग्राउंड होता है, उसमें एक बंदा आता है जो सेलफोन के बारे में एक्सप्लेन करता है, ये ट्रेंड स्टीव जॉब्स ने शुरू किया था। और स्टीव जॉब्स का अगर आपने आईफोन 1 लॉन्च का वीडियो नहीं देखा है ना, तो आपने आईफोन लेने के ऊपर लानत है, आई एम वेरी सॉरी, पर आपने देखना जरूर चाहिए। आप अगर आईफोन के इतने फैन हो कि आप आईफोन यूज करते हो, मैं तो आईफोन यूज भी नहीं करता, बट फिर भी मैं स्टीव जॉब्स को मानता हूं, और फिर भी मैं हर एक बार स्टीव जॉब्स के जितने भी लॉन्च वीडियो होते हैं सब देख चुका हूं। हाँ, अभी टिम कुक के वगैरह नहीं देखता, बिकॉज अभी कुछ और ही चल रहा है। जो स्टीव जॉब्स के प्रोस्पेक्टिव थे वो कुछ अडल्ट्रेटेड फॉलोवर है, इसलिए मैं नहीं देखता, बट स्टीव जॉब्स ने जितने फोन लॉन्च किए सब वीडियोस देख चुका हूं। आप अगर आईफोन यूजर हो तो आपने देखना ही चाहिए आईफोन 1 लॉन्च का वीडियो, वो सेलफोन इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन था। तो भैया स्टीव जॉब्स आए, उन्हीं के कंपनी से उनको निकाला गया, वापस स्टीव जॉब्स आए, अभी स्टीव जॉब्स नहीं रहे, बट फिर भी एप्पल चल रहा है, दुनिया का कॉस्टलियस्ट कंपनी में काउंट किया जाता है, ये होता है कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, ये सुनो, इसको आपने याद रखना है, ये है बिजनेस रिवोल्यूशन। ये एक छोटा सा डायग्राम आपने ड्रॉ करना, अभी ये सब पिक्चर्स 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 है, आप इसको वर्ड्स में भी ले सकते हो, जैसे प्रोप्राइटर शॉप, पार्टनरशिप, फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री, फिर प्रोप्राइटर मर गया तो ये खत्म हो जाएगा, एग्जिट कर लिया तो लिक्विडेशन हो जाएगा, ये मर गया एग्जिट कर लिया फिर भी कंपनी चलती रहेगी, ये कहीं तो भी एक 3 कॉलम्स में लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। और समझ में आया क्या बताइए, समझ में आया क्या? थैंक यू सो मच। 3 पार्टनर रहे, 10 पार्टनर रहे, 50 पार्टनर रहे, पवन एक भी एग्जिट किया तो ये पार्टनरशिप डूब जाएगा। दो से ज्यादा भी पार्टनर हो दीक्षा, तो भी एक मर गया तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप में एक पार्टनर में मर गया, 100 पार्टनर में से एक भी मर गया तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। बच्चों रेमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू करना चाहिए तो पहली पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ेगी, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, रेनोवेशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा शिपिटी फाउंडेशन में था नहीं है, पवन कैसे कर रहे हो जिंदगी में? चलो पूछ लिया वही अच्छी बात है, गलत मत याद रखना, लिखना हो गया तो बता देना, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्षितिजा, लिखना हो भी गया, बहुत बढ़िया, लिखना हो गया तो कमेंट कर दीजिएगा।
रिमेनिंग पार्टनर, अभी बताया मैंने, रिमेनिंग पार्टनर फिर भी एग्री टू कंटिन्यू करते हैं तो उनको ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व करके नया पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा। हाँ, वो गुडविल कैरी कर सकते हैं, गुडविल वाला नाम कैरी कर सकते हैं ओल्ड पार्टनरशिप से परचेस करके, पर उसमें से भी एग्जिटिंग पार्टनर या डेथ वाले पार्टनर को आपको शेयर देके फिर आप वो नाम परचेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसमें डिसीज्ड पर्सन का जो, डिसीज्ड पार्टनर का जो लीगल हेयर है या उसकी विंडो है, विंडो याद है, विंडो, विडो, विंडो नहीं, विडो, नालायको, विडो, तो उसकी डिसीज पार्टनर की जो विडो है या उसका कोई भी है विडोअर वगैरह, तो उनको उनका शेयर दिया जाएगा गुडविल का, फिर उस वो गुडविल सेल करके मानी जाएगी और नई पार्टनरशिप उस नाम से आप बना सकते हो। लेकिन भले ही पार्टनर एग्री करे कंटिन्यू को, आपको नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, ओल्ड डिसॉल्व करनी पड़ेगी, या फिर इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले से ही लिखना पड़ेगा कि कोई भी पार्टनर मर गया फिर भी हम गुडविल के साथ में नई पार्टनरशिप शुरू करेंगे करके। क्लियर है, ये चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। फिर अगर मैं कंपनी के डेफिनेशन को और थोड़ा बड़े लेवल पे लेकर जाऊं तो तीन बाबा लोग मिले मेरे को। तीन बाबा लोग, कौन बाबा लोग थे? बोले मार्शल बाबा, जेम्स बाबा, लिंडले बाबा। ये कैसा नाम है? हाँ ठीक है, चलो फाइन, लिंडले बाबा। सो मार्शल बाबा, जेम्स बाबा, लिंडले बाबा, ठीक है। ये तीन बाबा लोगों ने अपने अपने डेफिनेशन दिए, बोले कंपनीज हमारे हिसाब से क्या है, क्योंकि ड्राफ्टमैन ने तो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। वो चलता है ना आजकल, वो टिकटॉक बंद हो गया जिंदगी में, ये सब इंस्टाग्राम पे आ गए कमीने सबके सब। वो टिकटॉक बंद करने के पीछे का इंटेंशन ये था कि ये चीजें दिमाग रखा है तो ये सब इंस्टाग्राम पे आ गए। अब इंस्टाग्राम बंद करने की बारी आ गई है, मतलब पहले ये टिकटॉक के ऊपर जाके गंदगी करते थे, अब वो इंस्टाग्राम पे आके गंदगी करते। मतलब जब टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टाग्राम ने इनको बुलाया, अरे वहां क्यों गंदगी कर रहे हो, यहां आके गंदगी करो नालायक लोग। एनीवेज, सो पता नहीं जी कौन सा नशा करता। एनीवे, सो मार्शल बाबा, जेम्स बाबा और लिंडले बाबा, तो ड्राफ्टमैन जो था, ड्राफ्टमैन तो नशे करके चला गया, तो भैया ये बाबा लोग बताने के लिए आए कि रुको, ड्राफ्टमैन भले ही नशेड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारी सुनो, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। मार्शल बाबा ने बड़ा सत्य वचन बोला है, मार्शल बाबा ने, मार्शल बाबा बोलते हैं कि कंपनी बोले आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल। वाह 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 वाह, क्या बोला है, वाह। मतलब राष्ट्रपति ने जो बना उसके ऊपर वाह वाह करने की इच्छा होती है, इन्होंने जो बना वाह वाह करने की इच्छा होती है, डिफरेंस है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? अरे कृत्रिम, नैसर्गिक, नेचुरल, कृत्रिम, कृत्रिम नहीं नालायक, कृत्रिम नहीं, कृत्रिम। सो नेचुरल, आर्टिफिशियल, नैसर्गिक, कृत्रिम। तुम सब लोग नेचुरल पर्सन हो, नैसर्गिक लोग हो, नहीं अरे क्या बताऊं जिंदगी में, तुम्हें मालूम है तुम नेचुरल हो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आई गेस जरूरत नहीं है यहां पे। तो अपन सब लोग नेचुरल है, नेचुरली पैदा हुए हैं, जैसे नेचुरली पैदा होना चाहिए वैसे हम पैदा हुए, तो नैसर्गिक। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन इज अ कृत्रिम, कृत्रिम नहीं कृत्रिम, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कृत्रिम मतलब जिसको बनाया गया है, खुद नेचुरली पैदा नहीं हुआ, कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं था।
अब आ रही है आवाज, चलो बहुत बढ़िया। वापस बोलते वापस बोलते, कोई दिक्कत नहीं, बोलने के लिए क्या दिक्कत है, अपन पैदा ही बोलने के लिए हुए हैं। पहले तो मार्शल बाबा का वचन नंबर एक कि वो कहते हैं इट इज आर्ट, कृत्रिम कृत्रिम पर्सन है, फिर ये दिखता भी नहीं है, महसूस भी नहीं कर सकते, पर ये कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ में है, लॉ के अंदर बनाया गया है। जैसे कंपनीज एक्ट में हम कंपनी बना रहे हैं, तो लॉ के हिसाब से एग्जिस्टिंग है, लॉ हमने बनाया तो लॉ कृत्रिम है, लॉ ने कंपनी बनाई तो कंपनी भी कृत्रिम है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दिस इज बाबा मार्शल के वचन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। फिर आए बाबा जेम्स, बाबा जेम्स से रहा नहीं गया, बाबा जेम्स बोले मार्शल बाबा ने जो बोला वो सब सही है, पर बाबा मार्शल कुछ भूल गए, बोले मार्शल बाबा कुछ भूल गए, तो बाबा जेम्स क्या बोल रहे हैं? बाबा जेम्स बोलते हैं कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये बोले कुछ लोग इकट्ठा आए हैं, कुछ लोग एक साथ आए हैं, कुछ लोग एक साथ आके कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ना, चुप, कुछ मेरी गलती, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी, कुछ लोग आके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोग आके मिलके बिजनेस कर रहे हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग आके मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, एक मूल सुगंधी फूल, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, एक मूल सुगंधी फूल नहीं, कुछ लोग, नहीं नहीं आई एम वेरी सॉरी, सो कुछ लोग आके एक साथ मिलके बिजनेस कर रहे हैं एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। चलो वो एग्जाम्पल साइड में रह गए, पर एक नेचुरल एग्जाम्पल दे दूं कि कुछ लोग साथ में आके स्टील इंडस्ट्री डाले, कुछ लोग साथ में आके शॉप डाले, कुछ लोग साथ में आके अमेजोन बनाए, कुछ लोग साथ में आके फ्लिपकार्ट बनाए, कुछ लोग साथ में आके फेसबुक बनाए, कुछ लोग साथ में आके एप्पल बनाए, कुछ लोग साथ में आके बर्कशायर हैथवे, कुछ लोग साथ में आके टाटा, कुछ लोग साथ में आके इंफोसिस, कुछ लोग साथ में आके विप्रो, कुछ लोग साथ में आके यो, कुछ लोग साथ में आके वो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, क्लियर है आइडिया, क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो, सुनो। तो बाबा जेम्स बोल रहे हैं कुछ लोग साथ में आके एक कॉमन ऑब्जेक्ट से कुछ बनाए, तो हम उसको कहते हैं कंपनी। बोली मार्शल बाबा जो बोले वो तो सत्य वचन है, पर हमसे भी कुछ वचन ले लो। तो इन्होंने इसके साथ ये जोड़ दिया, मैं बोला बहुत बढ़िया शानदार, कंपनी की डेफिनेशन ड्राफ्ट हो रही है। फिर तीसरा जस्टिस लिंडले, लिंडले बाबा क्या बोल रहे हैं, कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्टेटेड बिलो। लिंडले बाबा बोले हैं ये पहले के दो बाबा बोले, ये कुछ भी बोलते जा रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रहे, दो तीन छुटमुट चीजें बोल रहे, इसमें कोई मतलब है? मैं बोले तुमको बताऊंगा कंपनी के कैरेक्टर कितने हैं, मैं बताऊंगा बोले पूरी डेफिनेशन क्या है। ये क्या बोले, इसने तीन पॉइंट बोले, इसने एक पॉइंट बोला, मिलके चार हो गए, कोई मतलब है बोले इसमें, हट धर। तो लिंडले बाबा भड़क गए, नाम जैसे है लिंडले, ठीक है, तो भड़क गए, बोले मैं बताऊंगा एक्चुअल कंपनी क्या होती है। और लिंडले बाबा ने जो वचन बोले उसके बाद कोई बोल ही नहीं पाया, क्योंकि लिंडले बाबा ने सब बोल दिया। लिंडले बाबा भड़के हुए थे, कहीं से तो भी लेके आए थे, बोले मैं इन दोनों को सुन सुन के परेशान हो गया, मैं जो बोलूंगा वही कंपनी है, इसके बाद कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो लिंडले बाबा ने डेफिनेशन दे दिया और गेम ओवर कर दिया, नहीं तो पता नहीं कितने बाबा याद रखने पड़ते हमको। तो लिंडले बाबा को थैंक यू बोलो सब जन, थैंक यू लिंडले बाबा कि तुमने कंपनी का एक डेफिनेशन दिया, कुछ कैरेक्टर्स बोले है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है? तो थैंक यू बोलो लिंडले बाबा को, फिर मैं कैरेक्टर बताऊंगा, जो थैंक यू नहीं बोलेगा लिंडले बाबा को उसको कैरेक्टर याद नहीं रहेंगे, पहले ही बोल रहा हूँ जिंदगी में, पहले लिंडले बाबा को थैंक यू बोलो, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। एक तो पानी पानी चाहिए मेरे को जिंदगी में। सो अब लिंडले बाबा बोले कि मैं बताता हूं कंपनी क्या होती है, पर लिंडले बाबा ने ना एक खतरनाक वर्ड यूज कर लिया कैरेक्टर बोलते वक्त, एक खतरनाक वर्ड यूज कर लिया डेफिनेशन बोलते वक्त, जो वर्ड ने ना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। मतलब लिंडले बाबा बोले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूंगा, लिंडले बाबा भड़के थे, भड़क भड़काऊ भड़काऊ भाषण में लिंडले बाबा ने बोल दिया मैं कैरेक्टर बोलूंगा, पब्लिक ने वही पकड़ लिया, अरे रुको लिंडले बाबा रुको। लिंडले बाबा बोले क्या हो गया, बोले तुमने अभी क्या बोला, बोले मैं कंपनी के कैरेक्टर बोलूंगा, बोले मैं कंपनी के कैरेक्टर बोलूंगा। लोग बोले कैरेक्टर बोलोगे, कैरेक्टर बोलोगे, कैरेक्टर बोलोगे। लिंडले बाबा बोले हाँ मैं कैरेक्टर बोलूंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो ये चीज को याद रखना, लिंडले बाबा बोले कैरेक्टर, लोगों ने लगे सवाल पूछ लिया, बाबा जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर एंड फीचर, बाबा जी जरा ये चीज बता दीजिए, बोले कैरेक्टर और फीचर में क्या फर्क है। लिंडले बाबा बोले मैं कैरेक्टर बताऊंगा, लोगों ने पूछ लिया कैरेक्टर तो बाद में बताना, पहले तो ये बताओ कि कैरेक्टर और फीचर में फर्क क्या है। एनीवन इन द कमेंट्स, जो लोगों की इस दुविधा शंका कुशंका लघु शंका को कमेंट में सॉल्व करे,
कोई तो सॉल्व करे कमेंट के अंदर, बताए कि कैरेक्टर और फीचर के बीच में डिफरेंस क्या है, फटाफट बताइएगा जरा। कैरेक्टर मीन्स एक्सपेक्टेड। आशीष मुझसे पढ़ा है बेटा तू फाउंडेशन में, लग रहा है मेरे को, वही मैंने ये एक्सप्लेन किया था। कोई ये लघु शंका को सॉल्व कर दे कैरेक्टर और फीचर के बीच का डिफरेंस, कोई नहीं बताएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वाह वाह एमडी महफूज, वाह वाह एमडी महफूज, वाह क्या क्या डिफरेंस बोला एमडी महफूज में, कमेंट में देखिए, मतलब लाइव चैट में देखिए, समझ में आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है बोले। वाह कहां से आते हैं ऐसे लोग, एमडी क्या हो गया आपको। क्वालिटी वर्सेस डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर मींस एक्सपेक्टेड स्कोप। कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, फीचर्स स्पेसिफिक होते हैं। फीचर्स उसकी क्वालिटी, फीचर मींस अवेलेबल, पता नहीं। कैरेक्टर मींस जो रियल में है, फीचर मींस जो होना चाहिए। सर जी करने के में टाइम लगता है, प्लीज वेट। अच्छा टाइप करने में टाइम लगता है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। फीचर इज जस्ट अ डेफिनेशन कैरेक्टर, चलो कैरेक्टर इज एक्सपेक्टेड, फीचर इज एक्चुअल। कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन, फीचर इज स्पेसिफिक। फीचर इज एक्चुअल सिनेरियो, कैरेक्टर इज हाउ इट शुड बी। चलो बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने आंसर दिया उसमें से कुछ के सही है कुछ के गलत है। अब जरा मुझसे सुनो कि भैया कैरेक्टर और फीचर क्या होता है, बड़े अच्छे से सुनना, बड़े प्यार से एक्सप्लेन करूंगा, एक झटके में समझ जाओगे। ठीक है, अपन लेते हैं जरा किसी को तो भी कमेंट सेक्शन में से, जिसका नाम मेरे को पसंद आए। नितिन भाई, नितिन गर्ग, ठीक है, नितिन गर्ग, नितिन भाई जी, कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ समानता होती है तो मात्र संयोग कहां जाएगा। नितिन भाई जी मैं तुमको पहले हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूं, तुम्हें एग्जाम्पल के लिए हमको यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं कि भैया कैरेक्टर और फीचर क्या है। अब नितिन कर रहा है सीए, नितिन भाई जी मेरी दुआ है अगले 3 साल के अंदर अंदर, या 3.5 साल जैसी आपका इंटर के बाद, और 3 साल लगेंगे ना आपको, इसलिए 3.5 साल में नितिन जी आप बन जाओ सीए। नितिन ये मेरी दुआ है, पहले तुम्हारे नाम के आगे मैं सीए लगा लूं, ठीक है। तो नितिन भाई जी तुम सीए बन जाओ, ये मेरी दुआ है। अब नितिन भाई जी सीए क्यों कर रहे, मैंने उसी दिन बोला था, नितिन भाई जी सीए क्यों कर रहे, कोई भी लड़का सीए क्यों करता है। मैं लड़का हूं, मैंने सीए क्यों किया, कैमरा क्यों, मेरा एक ड्रीम था कि मेरा एक छोटा सा बंगला हो, मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो और एक सुंदर सी लड़की मिले। तो नितिन भाई जी का भी ये ड्रीम था कि भैया एक छोटा सा बंगला, एक छोटी सी गाड़ी, एक सुंदर सी लड़की मिले। तो भैया नितिन भाई जी ने छोटा सा बंगला बांध लिया, नितिन भाई जी ने छोटी सी गाड़ी भी ले ली, लिमोजीन, लिमोजीन, ठीक है, जो शुरू होती है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, गाड़ी भी ले ली। फिर नितिन भाई जी एक दिन घर पे बैठे थे। अब जैसे ही कोई लड़का सीए बन जाता है ना, घर देखो कैसा, मतलब फैमिली कैसे डेंजरस होती है, मतलब इस मामले में डेंजरस हो, ऐसे फैमिली बहुत अच्छी होती है, पर इस मामले में जैसे ही लड़का सीए बन जाता है ना, या जैसे ही लड़की सीए बन जाती है, लड़की तो सीए बनने के पहले ही, यार मेरे को बहुत बुरा लगता है ये चीज का, बट क्या करे, है फैमिली है। सो जैसे ही लड़का सीए बन जाता है, लड़के को तो भी सीए बनने का वेट करते हैं, लड़की तो सीए बनने के पहले, जैसे ही समय आ जाए घर वाले बोलते हैं और कुछ सोचा है फ्यूचर का। जैसे ही घर वाले आपको ये बोलेंगे ना कुछ सोचा है फ्यूचर का, तो इसमें दो ही सवाल हो सकते हैं, एक तो करियर, नहीं तो शादी। ये मान लेना तुम्हारे साथ भी होगा, मैं अभी से तुम्हें आगाह कर रहा हूं, फिर मत बोलना हमारे साथ हादसा हो गया सर, मेरे साथ क्योंकि हादसा हो चुका है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ हो जाए। नहीं मेरे साथ भी नहीं हुआ है, ये लेक्चर मेरे बीवी को बिल्कुल मत दिखाना, मेरे को मारेगी, ठीक है, बिल्कुल ना दिखाना। बड़े अच्छे से घर वाले तुम्हें पूछते उस समय और कुछ फ्यूचर का सोचा, इसमें दो ही ऑप्शन, एक तो करियर नहीं तो शादी। अब तुम सीए बन चुके हो, मतलब करियर वाला ऑप्शन तो गया, तो दूसरा ऑप्शन कौन सा बचा, शादी। मतलब घर वाले तुमको किस बारे में पूछ रहे हैं, शादी। तो घर वाले पूछते हैं कुछ फ्यूचर का प्लान है, तुम बोल रहे हाँ फ्यूचर का प्लान है, और तुम क्या सोचते हो कि फ्यूचर का प्लान मतलब क्या, हाँ मैं सोच रहा हूं 1 महीने बाद गोवा जाऊंगा, और 2 महीने बाद मैं शिमला कुल्लू मनाली जाऊंगा, और 4 महीने बाद मैं बैंकॉक जाऊं, बैंकॉक नहीं नालायक, बैंक चौप, बैंकॉक नहीं, ठीक है, फिर मैं मॉरिशस जाऊंगा, ये तुम्हारे प्लान होते हैं बराबर है। पर घर वाले बोलते अरे 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 हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं कि भाई कोई शादी वगैरह का प्लान है। और फिर तुम दूसरे साइड शॉक में घर वालों की तरफ देखते हो, हाँ। फिर घर वाले पूछते हैं क्यों क्या हो गया, शादी का प्लान नहीं है। फिर तुम कोने कोने में सटकते जाते हो, हाँ? ये कहां से आ गया हमारे यहाँ पे, शादी कहां से आ गई, जिंदगी में शादी नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। हाँ माना किसी दिन किसी के साथ अटकना पड़ेगा, पर इतनी जल्दी, बराबर है, कौन सिंगल जिंदगी एंजॉय नहीं करना चाहता। तो घरवाले बोला आप देख रहे हो, हाँ
फिर घर वालों ने बोला नहीं नहीं तुमको शादी करनी पड़ेगी, हमारी एक इच्छा है, ये बहुत खतरनाक इच्छा है याद रखना, हमारी एक इच्छा है कि हमारी बहू हमारे सामने आ जाए। नितिन को घर वाले बोल रहे हैं कि हमारी बहू हमारे सामने आ जाए। नितिन बोलता है पहले तो डिमांड है बहू की, बहू आने के बाद में डिमांड रहेगी बच्चे की, कि हमको हमारे पोते की किंकारियां सुननी है, ये किंकारियां सुननी है। बोलो हाँ है ना, ये दूसरी डिमांड क्लियर है, फिर तीसरे दूसरे बच्चे की डिमांड, फिर चौथे बच्चे की डिमांड। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये जरूरी नहीं है पर ऐसा घर वाले डिमांड करते हैं, क्लियर है। तो घर वाले ने सोचा कि कोई बहू हमको चाहिए। फिर घर वाले नितिन को पूछते हैं कोई पटाई है, नितिन को घर वालों ने पूछा कोई पटाई है। अब नितिन बेचारा सीएम है, नितिन तो बेचारा सीएम है, ठीक है। जिंदगी, एक शेर और याद आया आज, एक शेर और याद आया, ठीक है। बोलो इरशाद, जोर से बोलो इरशाद। नितिन घर वालों को शेर बोल रहा है, घर वालों ने जब पूछा नितिन कोई पटाई है, तो नितिन घर वालों को बोल रहा है तुम्हें नहीं पता हम सीए की जिंदगी ऐसी ही कटेगी, तुम्हें नहीं पता हम सीएस की जिंदगी ऐसी ही कटेगी, पूरी दुनिया पट जाए पर लड़की ना पटेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना, ये चीज को याद रखना। तो घर वाले समझ गए, घर वाले समझ गए कि भाई नितिन ने कोई लड़की नहीं पटाई। हालांकि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के माथे पे लिखा होता है कोई पटने नहीं वाला, कुछ लोगों को पट गई वो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं जिंदगी में, उन्होंने उसको संभाल के रखना चाहिए, पर लड़की ना पटेगी। फिर घर वालों ने नितिन से एक सवाल पूछा, घर वालों ने नितिन को पूछा फिर अगर नहीं पटाई है तो कैसी लड़की चाहिए, अगर नहीं पटाई है तो कैसी लड़की चाहिए। अब मुझे एक सवाल का जवाब देना, एक सवाल का जवाब सभी लड़के और लड़कियों को मैं एक साथ पूछना चाहूंगा, मुझे एक सवाल का जवाब देना। अगर तुम्हें तुम्हारे घर वाले पूछे कि कैसा लड़का या लड़की चाहिए, तो तुम घर वालों को क्या आंसर दोगे? तुम घर वालों को क्या यह आंसर दोगे? नहीं हॉट चाहिए, क्या यह आंसर दोगे? नहीं बॉम्ब चाहिए, क्या यह आंसर दोगे? नहीं हैंडसम चाहिए, मसल वसल दिखने चाहिए, यह आंसर दोगे घर वालों को? यह आंसर तो हम दे नहीं सकते। जैसे ही तुमने घर वालों पे हॉट बोला, नहीं तुम्हारे मुंह पे आके हॉट तवा लगा दिया मम्मी ने, तो नाम बदल देना, ठीक है। बोल के देखो घर वालों को हॉट चाहिए, मस्त हॉट तवा आएगा, ये ले बेटा हॉट, पूरा हॉट हो जाए जिंदगी में, हॉट हॉट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो आप घर वालों को ये नहीं बोल सकते हॉट चाहिए, हैंडसम चाहिए, मसल वाला चाहिए। तो घर वालों को नितिन ने पूछा भाई नितिन कैसी लड़की चाहिए। अब नितिन तो बोल नहीं सकता ना हॉट चाहिए, नितिन क्या बोलेगा? तो नितिन बोले सुंदर चाहिए, और क्या बोलेगा? सुशील चाहिए, और क्या बोलेगा? सुसज्जन चाहिए, सुसंस्कृत चाहिए, सुकुमार चाहिए, सुसु सुसु नहीं, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी, मतलब सब सु भी नहीं चाहिए, सुंदर, सुशील, सज्जन, सुकुमार, जितने भी लगा सकते हो वो सब चाहिए। तो ये डेफिनेशन नितिन ने जो बोली, ये डेफिनेशन नितिन ने बोली मंदिर वाली डेफिनेशन है। मंदिर में कोई लड़की जाए तो सुंदर, सुशील, सुसज्जन, सुसंस्कृत, सुकुमार, पंजाबी ड्रेस पहन के या साड़ी पहन के मंदिर जाए, ऐसी लड़की एकदम पिक्चराइज होती है, नितिन ने जो डेफिनेशन बोली। हालांकि ऐसी लड़की अच्छी लगती है कि भैया कोई पंजाबी ड्रेस साड़ी में कोई मंदिर जाए तो लड़की अच्छी लगे जिंदगी में, ऐसी लड़कियां चाहिए शादी के लिए जिंदगी में, बोलो हाँ है ना। तो नितिन ने बोला सुंदर, सुशील, सुसज्जन, सुकुमार, सुसंस्कृत चाहिए, तो नितिन ने मंदिर वाली डेफिनेशन बोली। जब मम्मी पापा ने पूछा नितिन को, पेरेंट्स ने पूछा कि नितिन कैसी लड़की चाहिए, तो नितिन ने पूरा ऐसा चीज बोली जैसी लड़की होनी चाहिए। घर वालों को संभालने वाली चाहिए, खाना बनाने वाली चाहिए, सबका मन रखने वाली चाहिए, मेरे तरफ ध्यान देने वाली चाहिए, प्यार करने वाली चाहिए, बच्चों को संभालने वाली चाहिए, ऊपर से सुंदर, सुशील, सुसंस्कृत, सुकुमार, सुसज्जन चाहिए। ये आइडियलिस्टिक डेफिनेशन नितिन ने बोला। आइडियलिस्टिक लड़की कैसी चाहिए? कि भैया लड़की ना ऐसी चाहिए, ये ड्राफ्टेड डेफिनेशन है लड़की की, कि लड़की ऐसी चाहिए, सुंदर, सुशील, सुसज्जन, सुकुमार, घर वालों को मेंटेन करने वाली, बच्चों को संभालने वाली, बच्चे पैदा करने वाले, वेरी सॉरी, पैदा करने वाले, तो ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा नितिन ने बोला। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ये नितिन ने बोला है, ये करेक्ट, ये जो नितिन ने बोला है ना आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, ये आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है कि घर वालों ने पूछा तो नितिन ने आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया। अब इसी नितिन को आप जरा उस रोड पे लेके जाइए, हर शहर में एक रोड होता है जहां हरियाली छाती है शाम को, खास करके सैटरडे संडे शाम को बहुत हरियाली छाती है। इस नितिन को वहां जाके छोड़िए, इस नितिन को वहां जाके छोड़िए कि जा भाई नितिन, बाइक लेके जा, वहां चला जा। अब समझो नितिन और नितिन का बेस्ट फ्रेंड दोनों बाइक से जा रहे हैं, नितिन को एक मस्त हरियाली दिख गई, नितिन ने हरियाली दिखी, नितिन जाओ, ओ क्या लड़की है बॉस। उसका दोस्त उसे बोलने लगा क्यों रे, तूने तेरे घर वालों को बोला था सुंदर चाहिए, सुशील चाहिए, सुसंस्कृत चाहिए, सुकुमार चाहिए, सुसज्जन चाहिए। नितिन बोलता है अबे हो गया तेल लेने, मुझे ये चाहिए।
बोलो हाँ या ना, मुझे ये चाहिए। और उसका दोस्त बोलता है अभी ये चाहिए। ये नितिन बोलता है ठीक से बात कर भाभी है तेरी, भाभी इमिडिएटली भाभी भी बन जाती है। मेरे को समझ में नहीं आता लड़कों में भाभी बनाना 2 सेकंड का गैप होता है भैया, लड़की पसंद आना और भाभी बनना 2 सेकंड का गैप होता है, याद रखना। अगर लड़के लड़के लोग बैठ इज्जत से बात कर भाभी है तेरी, वो बोलता है अरे पर घर वालों को तो तूने पूरी आइडियलिस्टिक डेफिनेशन बताई, उसमें से तो इसमें बहुत कम चीजें हैं। नितिन बोलता है वो नहीं पता भाभी है तेरी, इज्जत से बात कर। बोलो हाँ या ना। अब ये हुई दो चीजें, ये हुई दो चीजें, बड़े अच्छे समझना, तुम्हारे काम का कंसेप्ट बोल रहा हूं, बड़े अच्छे समझना। एक डेफिनेशन नितिन ने बोली है आइडियलिस्टिक मंदिर वाली, एक डेफिनेशन नितिन ने बोली है आइडियलिस्टिक मंदिर वाली, और दूसरा नितिन जब हरियाली वाले रोड पे जाता है तो वो डेफिनेशन सुंदर आइडियलिस्टिक डेफिनेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसको जो लड़की पसंद आ रही है वो सिर्फ फीचर्स देख के खुश है, ऐसी लड़की चाहिए, सुंदर चाहिए, हॉट है, जबरदस्ती जिंदाबाद है, क्लियर है? ये नितिन बोल रहा है, उसको फीचर दिख रहे हैं, उसको कैरेक्टर नहीं दिख रहे, उसको फीचर दिख रहे हैं, ये चाहिए। तो जो आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है मंदिर वाले, आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है मंदिर वाले, वो होते हैं कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कि कैसी लड़की होनी चाहिए शादी के लिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर आपको जो पसंद आती है, आपको जो पसंद आती है, आप जिसके साथ घुल मिल जाते हो, जरूरी नहीं है कि आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन को मैच करे, जरूरी नहीं है कि लड़की मंदिर वाले डेफिनेशंस को मैच करे, पर ये जो लड़की है ये तुम्हें पसंद आई है, इसके कोई भी फीचर्स हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो आइडियलिस्टिकली होना चाहिए, फीचर जो है इससे इसको कोई लेन देन नहीं, जो है वो फीचर है, जो होना चाहिए आइडियलिस्टिकली वो कैरेक्टर है। आई गेस आपको समझ में आया होगा। कंपनी के सेंस में बोलू, चलो बहुत सब, नितिन आई एम वेरी सॉरी, एग्जाम्पल खत्म हुआ, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी स्पोर्ट्स पर्सन, आपको अगर बुरा ना लगा हो तो प्लीज कमेंट में बोल देना माफ कर दिया सर आपको करके, तो मैं खुश हो जाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए। और सब जन नितिन को थैंक यू बोलेंगे, नितिन की वजह से हमको एक कंसेप्ट समझ में आया है, ठीक है? सो आईडी, और सभी लड़कियों को सॉरी अगर लड़कियों को थोड़ा बहुत बुरा लगा हो तो, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, इट्स जस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है? सो मंदिर वाली आइडियलिस्टिक डेफिनेशन जो है वो है कैरेक्टर, और जो एक्चुअल में होता है वो ही फीचर। अगर इसको मैं कंपनी के सेंस में बोलूं तो कंपनी कैसी होनी चाहिए, कंपनी कैसी होनी चाहिए आइडियलिस्टिकली, ये लिंडले बाबा ने बोला कि कंपनी भैया आइडियलिस्टिकली ऐसी होनी चाहिए। पर कंपनी जो एक्चुअली अभी है, जैसे आप सत्यम कंपनी देखो, रामालिंगा राजू वाली कंपनी फ्रॉड हो गया, वो फीचर है, फ्रॉडुलेंट कंपनी, किंगफिशर फ्रॉडुलेंट कंपनी, ये फीचर है। पर कंपनी ने फ्रॉड नहीं करना चाहिए, ये आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये चीज को याद रखना। सो फीचर मतलब जो है, कैरेक्टर मतलब जो होना चाहिए आइडियलिस्टिकली। कॉन्सेप्ट समझ में आया है सबको? समझ में आया तो लाइक ठोको और मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि प्लीज आपको ये समझ में आया या नहीं आया, फिर ही मैं कैरेक्टर शुरू कर सकता हूं, ठीक है? मुझे फटाफट बताइए। चलो थैंक यू सो मच नितिन, यू आर अ जेम ऑफ पर्सन, थैंक्स भाई, लव यू लॉट। बहुत बढ़िया, चलो शानदार। तो आप एक काम कीजिएगा, पहले तो ये 3 डेफिनेशन देखिएगा, लिखिएगा, फिर इसके बाद मैं कैरेक्टर और फीचर का डिफरेंस मैं डिक्टेट करके लिखवा दूंगा, फिर हम सभी कैरेक्टर्स को देखेंगे, ठीक है? पहले ये 3 डेफिनेशन लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। थैंक यू सो मच गाइस, मनीष, अंशिका, अनुजा, प्रदीप,
वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, अभिषेक, नितिन, अल्फ्रेड मार्शल, पता नहीं बेटा, बाबा मार्शल इतना मालूम है अपने को। एमडी बेटा, फाउंडेशन में जो लोग पढ़ रहे हैं वो वापस यहाँ पे आए हैं, तो बेसिक्स तो सबको ठीक से पता होना चाहिए, इसलिए अपन इसके ऊपर अच्छा समय दे रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन में आपने रफली किया होगा, अभी हम काफी डिटेलिंग में ले रहे हैं, और जो मुझसे नहीं पढ़े उनको भी पता होना चाहिए फाउंडेशन में। थैंक्स अभिषेक, जिनका हो गया कमेंट कर सकते हैं, नहीं हुआ तो बताइएगा। नालायक पिपबिट्स, कोई छापा मत मारो जिंदगी में, पापा पापा। मेरी एज स्वाधीन, मैं बस मेरी एज पूछ रहे, मैं बस उतने ही साल का हूं जितने साल पहले मैं पैदा हुआ था। चलो आगे, मेरी एज काफी अच्छी है, सो आई एम 33 आई गेस नाउ, 33 साल का हो चुका हूं मैं। ठीक है, अभी बूढ़ा हो गया हूँ नियरली अभी, कहाँ। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। आपने पूछ लिया, मैंने बता दिया, आगे मत पूछना। अच्छा हुआ मैं लड़का हूं, मैं वो पूछा, मैंने बोल भी दिया लड़की को कभी एज मत पूछना स्वाधीन, जिंदगी जहन्नुम बन जाएंगी तुम्हारी। ठीक है लेट्स गो। सर योर नेम, वाह वाह, सत्यम, केशव सत्यम पूछ रहा है हमारा नाम क्या। हमारा नाम है गजनी बेटा। ठीक है लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। ओके, ये एग्जैक्ट कंपनी का डेफिनेशन ज्यादा हो गया सच में। चलो सो ये हो गया, अब इसके नीचे कैरेक्टर और फीचर का डिफरेंस लिख के रखो, मैं डिक्टेट करता हूं, लिखना फटाफट लिखना। कैरेक्टर मींस, कैरेक्टर मींस एन आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर मींस एन आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ थिंग, कैरेक्टर मीन्स आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ थिंग दैट हाउ इट शुड बी, दैट हाउ इट शुड बी, दैट हाउ इट शुड बी। कैरेक्टर मीन्स आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ थिंग दैट हाउ इट शुड बी, हाउ इट शुड बी। नीचे पैराग्राफ करके फीचर्स लिखना। फीचर मीन्स, फीचर मीन्स हाउ द थिंग इज, फीचर मीन्स हाउ द थिंग इज, हाउ द थिंग इज इररिस्पेक्टिव, हाउ द थिंग इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स, ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स। Irrespective of its expected characters. Full stop. I hope समझ में आया होगा सबको। बोलो ये सुनो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तूफान। समझ में आया? तो अब हम घुसते हैं कैरेक्टर्स में। हम एक्सपेक्टेड चीजें, फीचर्स नहीं बोल रहे, बिकॉज हर कंपनी का फीचर अलग होगा। इंडिया में 15 लाख 30 हजार से ज्यादा कंपनी है, हर कंपनी के फीचर्स अलग होंगे, तो फीचर्स तो हम नहीं देख सकते। तो हम आइडियलिस्टिक चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी कैसी होनी चाहिए। So we'll go for idealistic characteristics of company. ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा एक्शन करने पड़ेंगे, तो पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, थोड़े से हाथ खुले कर लो, कहीं कोई हाथ बिजी ना रखना। ठीक है, पूरे हाथ खुले कर लो और पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी जो है
वो कुछ नौ पार्ट में डिवाइडेड है। पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, दूसरा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, चौथा परपेचुअल सक्सेशन, पांचवा लिमिटेड लाइबिलिटी, छठवा कॉमन सील, सातवा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आठवा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड नाइन्थ सेपरेट प्रॉपर्टी। नौ कैरेक्टर्स है, दो मिनट देता हूं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। नहीं हुआ, मैं जिंदा हूं और मैं रहूंगा, नालायक हो मैं रहूंगा, पर दो मिनट के लिए याद करने की कोशिश करो कि क्या आप ये ठीक से पढ़ सकते हो, सिर्फ इतना ट्राई करो। और कितने याद रहते हैं, आंखें बंद करके एक बार याद करने की कोशिश करो, एक ही बार। शर्डन, ओके। अब अगर आपने याद किया होगा तो पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। जिनको याद नहीं, जिनको याद होगा, ट्वेल्थ में भी था आरबीएस, मैंने सुना था, फाउंडेशन में भी बहुत सारे बच्चों को मैंने इसको याद करवा के दिया है, तो उसी टेक्निक को हम फॉलो करते हैं। फटाफट इसको याद कर लेते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, ठीक है। मेरे साथ साथ एक्शन करो तो नौ के नौ कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, हमने जो बनाने के लिए जो स्टेप यूज किया था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बनाना है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सबने एक्शन करनी है। भले ही अकेले बैठे हो लेकिन सबने एक्शन करनी है। तुमको तुम्हारे बाबू सोना पिकाचू की कसम, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा बाबू सोना पिकाचू थाना नहीं थाएगा, ठीक है। और या तो फिर जिनका बाबू सोना पिकाचू नहीं है उनके लिए जो पैदा हुआ है वो उनको मिलेगा ही नहीं, क्लियर है। याद रखना इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, फटाफट इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मैं पर्सन हूं और शर्ट आर्टिफिशियल है, ये शर्ट आर्टिफिशियल है, शर्ट आर्टिफिशियल है, बोलो हाँ है ना। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर ये राइट हैंड को लेके जाओ लंबा, परपेचुअल सक्सेशन, टाटा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब चला जा रहा है तो कब तक हाथ लेके जाओगे, कभी तो टाटा कराना पड़ेगा। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, टाटा। परपेचुअल सक्सेशन हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, नजदीक लेके आओ लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड है, भले ही परपेचुअल सक्सेशन है बट लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। वापस से एक बार, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉमन सील समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सो वापस एक बार, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, कॉमन सील, कॉमन सील लगा दिया, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्लियर है, ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर यहां से वहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं। सो एक बार वापस से सब मेरे साथ साथ करेंगे तो जाके याद रहेगा। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पर अपन बोर्ड बना रहे हैं, बोर्ड बाद में भूल जानी है, कैरेक्टर याद रहना चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फिर काटो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और ओनरशिप को अलग करना है, किसी को अलग करना है तो काटना पड़ेगा, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है कंसेप्ट। सो एक बार वापस से, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी।
आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है हाथ में, ब्रेसलेट है, अंगूठी है, गले में चेन है, ऐसे दिखाओ सेपरेट प्रॉपर्टी। जो कुछ भी आपके पास, लैपटॉप होगा लैपटॉप दिखाओ, मोबाइल होगा मोबाइल दिखाओ, साइड में बेस्ट फ्रेंड बैठा होगा वो दिखाओ, बेस्ट फ्रेंड भी तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है, जैसी चाहिए उसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, झाड़ सकते हैं, चार पांच गालियां दे सकते हैं, तो प्रॉपर्टी तो है बेस्ट फ्रेंड अपनी, हाँ ना? सो बेस्ट फ्रेंड दिखाओ, सो सेपरेट प्रॉपर्टी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? मुझे एक बार सभी लोग एक्शन करते हुए दिखने चाहिए बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है? बड़े अच्छे तरीके से मेरे को दिखना चाहिए, सब लोग एक्शन कर रहे हैं करके, ठीक है? टेलीपैथी है, मैं आपके घर पे आके देख रहा हूं, कोई नहीं किया तो याद रखना, ठीक है? तुम्हारी एक्स की शादी तुम्हारे वाई के साथ हो जाएगी, रेडी? लेट्स गो, पूरा ध्यान बोर्ड पे, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है? फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। 9 करेक्टर्स हमें याद करने हैं, ठीक है? फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर याद हो तो कमेंट में बताइए, और अगर हो सके तो कमेंट में सभी के सभी कैरेक्टर एक बार फटाफट लिख भी दीजिए, या इसको रफ में एक बार बिना देखे लिख के देखिए, फिर हम कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। रफ में एक बार लिख के देखिए एक्शन कर करके, और कहीं डरना नहीं, एक्शन करना, जब तक याद नहीं होते तब तक एक्शन करते रहना है हमको, ठीक है? बाद में जब पूरे याद हो जाएंगे एक्शन हम छोड़ देंगे, क्लियर है सब सबको, हाँ ना? पूरे एक्शन करके रखना, गो फॉर इट फास्ट। याद हुआ तो बताइए कमेंट्स में, वीडियो को लाइक ठोकिए, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी, याद हुई गयो कई, हुई गयो कई? 9 के 9 करेक्टर रफ में लिख के देखिए एक बार फटाफट। चलो वन मोर टाइम, सभी एक्शन करके देखते हैं एक बार फिर से, लास्ट टाइम, भूल ना जाए इसलिए, ठीक है? लेट्स गो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, फिर क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फिर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है? 9 करेक्टर्स हमको याद करने हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया मुक्ता बेटा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया चैतन्य बेटा, जबरदस्त, जिंदाबाद। ज्ञानेश्वर एक नंबर, तूफान जबरदस्त, जिंदाबाद। जो भी कमेंट्स कर रहे, तूफान, जिन्होंने रफ में लिखा वो भी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया बेटा तेजस, चलो तूफान, ऐसे पढ़ाई करते हैं जिंदगी में, बहुत ही बढ़िया। क्षितिज, रुचिता, जीनिल, राहुल, यशिका, बहुत ही शानदार, ठीक है? लेट्स गो। सो ये हो गया हमारे कैरेक्टर्स, अनुजा, हर्षा, हर्ष, प्राची, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक एक कैरेक्टर्स के साथ में हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन में अगर आपको बोलूं तो कंपनी बोल रही है, कंपनी खुद बोल रही है, खुद बनी नहीं हूं, बनाई गई हूं। इनकॉर्पोरेटेड मतलब बनाई गई हूं, किसी ने बनाया है, ठीक है? आपको इनकॉर्पोरेट किया है, आप नेचुरली नहीं बने हो, ठीक है? हमको भी किसी ने बनाया है, पर हम नेचुरली बने हैं, ठीक है? नेचुरल प्रोसेस है, पर कंपनी आर्टिफिशियल प्रोसेस से बनी है। तो यहां एक टेक्स्ट आता है, बहुत सिंपल सा टेक्स्ट है, जैसे हम किसी मूरत को बनाते हैं, एक आधे स्टैचू को बनाते हैं, एक आधे स्टैचू को क्राफ्ट करते हैं, किसी पेंटिंग को बनाते हैं, क्लियर है? पेंटिंग आर्टिफिशियल ही होती है, पर उसको बनाया जाता है, क्राफ्ट किया जाता है, वैसे ही कंपनी को क्राफ्ट करना जरूरी है। किसी आर्टिस्ट, किसी पेंटर का टैलेंट होता है पेंटिंग बनाना, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमएस का टैलेंट होता है कंपनी बनाना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी पेंटर का टैलेंट होता है पेंटिंग के अंदर चेक करना ठीक बन रहा है, हम सीएस या सीएमए का टैलेंट होता है किसी कंपनी के अंदर चेक करना सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अरे पेंटर अगर कोई आर्टिस्ट है तो हम भी आर्टिस्ट से कम नहीं है, हमारा सिर्फ आर्टिस्ट आर्ट है फाइनेंस का, हमारा आर्ट है लॉ वाला, हमारा आर्ट है टैक्स वाला, हमारा आर्ट है लोगों के पैसों को ठीक से मैनेज करना, हम भी तो आर्टिस्ट है, ठीक है? तो जैसे कोई मूर्तिकार मूरत बनाता है वैसे ही हम लोग पेंटिंग बनाते हैं, वैसे ही हम लोग खुद एक कंपनी बनाते हैं।
ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। मैं बढ़ रहा हूं आगे, एक सेकंड होल्ड करना, लाइव स्ट्रीम मेरा कहाँ गायब हो गया? ए बाबा, जिंदगी में क्या चल रहा है चीचा? हाँ, तो हमारा ये आर्ट है बच्चों, ये चीज को याद रखना। तो इसके लिए टेक्स्ट है, द कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन लाइक ह्यूमन प्लांट और एनिमल, इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, इट इज अ क्रिएशन फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सो इट विल रन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट एंड बियॉन्ड फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए रन करेगी और उसके बाद में न्यू ऑब्जेक्ट्स के लिए भी आगे रन करेगी। चलो डन। ओके, सो न्यू ऑब्जेक्ट के लिए भी आगे डन करेगी, दैट इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये हुआ पहला करेक्टर, ठीक है? इसको लिखना चाहोगे तो एक मिनट के लिए फटाफट लिख लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं एक मिनट के लिए गायब होता हूं, फटाफट लिख लो। इनकॉर्पोरेट एक एक कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन लिखना है, गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया प्रेम, जस्मिन, चलो लिखना हो गया सबका, लिखना हो गया तो बताइए मुझे। डन। डन एवरीबॉडी। नहीं बेटा, खुद की मेहनत भी करनी पड़ेगी कुणाल, जादू की छड़ी नहीं है बेटा, मैं मेरे तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूं पर पानी आप ही को पीना पड़ेगा, मैं सिर्फ सिखा सकता हूं, मेहनत तुमको ये करनी पड़ेगी राइटिंग वगैरह की। चलो, पहला हो गया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मैं दूसरे कैरेक्टर के ऊपर जा रहा हूं, सेकंड कैरेक्टर इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कंपनी बोल रही मैं नैसर्गिक नहीं, मैं कृत्रिम हूं, कृत्रिम नहीं नालायक हो, कृत्रिम, कृत्रिम नहीं बोलना, नैसर्गिक नहीं कृत्रिम हूं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम किसी रोबोट को बनाते हैं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट, हम जैसे किसी रोबोट को क्रिएट करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट ट्रांजिस्टर को क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। ये आपने याद रखना, ये जैसे हम रोबोट को बनाते हैं, रोबोट कैसा एक पर्सन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आपको पता है दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है, आप अगर डालोगे ना तो फेसबुक गूगल ने इसके ऊपर रिसर्च की थी, मैंने किस्सा भी सुना था, एक मिनट के लिए अगर आप सुनोगे तो आपको बोलता हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग फेसबुक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट बनाया था जिसका नाम कुछ तो भी था अल्फा या अल्फा जीरो समथिंग। जब अल्फा बनाया था उस अल्फा में, अल्फा ने दुनिया के टॉप चेस प्लेयर्स के साथ में उनको बिठाया गया चेस खेलने के लिए, अल्फा रोबोट को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। तो उस अल्फा ने दुनिया के सबसे टॉप चेस प्लेयर को कुछ 20:0 से हराया, मतलब पूरे 20 गेम वो जीता और 20:0 से उसने दुनिया के टॉप चेस प्लेयर को हराया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट। अल्फा के बाद में उन्होंने कोई तो भी एक और रोबोट निकाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ सब जीरो करके या जीरो या सब जीरो करके, उस सब जीरो ने अल्फा रोबोट को, सब जीरो ने अल्फा रोबोट को 13:1 से हराया, मतलब 13 बार सब जीरो जीता और अल्फा सिर्फ एक बार जीता, वो अल्फा जिसने दुनिया के सबसे टॉप चेस प्लेयर को 20:0 से हराया था। मतलब आप सोच रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां जा रहा है, अगर ऐसे बहुत सारे रोबोट बना दिए ना अपनी जिंदगी झंड हो जाएगी। एक ऐसा किस्सा ही हुआ था, फेसबुक ने दो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट बनाए और इनको ये ट्राई करना था फेसबुक वालों को कि भाई अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है तो ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो उन दोनों को एक दूसरे के सामने खुला छोड़ दिया, पहले तो खुला छोड़ के पावर ऑन कर दिया, रोबोट शुरू हो गए एक दूसरे से बात करना, 1 मिनट तक के उन्होंने नॉर्मल लैंग्वेज में बात की,
और 1 मिनट के बाद में उन्होंने खुद का डिफरेंट लैंग्वेज क्रिएट भी कर लिया और उसके अंदर उन्होंने बातें शुरू कर दी, जो हम मतलब जो वहां पे इंसान खड़े थे उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतना जबरदस्त, मतलब 1 मिनट तक के सब रोबोट ने इंग्लिश में, दोनों रोबोट ने इंग्लिश में बात की और 1 मिनट बाद उन्होंने इमिडिएटली खुद का एक लैंग्वेज डेवलप कर लिया जिसके अंदर वो बात करना शुरू किए, जो वहां खड़े हुए किसी पर्सन को समझ में नहीं आया, इनके फटके हाथ में आ गई, इन्होंने पावर प्लग खींच लिए। हमारा तो आखिरी सोल्यूशन तो वही होता है ना कि फटके हाथ में आगे पावर पक खींच लो कि रोबोट बंद हो जाए, वही इन्होंने किया। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट, अभी हम बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट दुनिया में बनने चाहिए, पर ये रिस्क बहुत ज्यादा रिस्की है, हमसे हमारा दिमाग नहीं है संभलता। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट कहां से संभालेंगे, वो तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा स्पीडी है। तो ये चीजें भी दुनिया में हुई है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैंने कहीं पढ़ा, नंबर्स नाम थोड़े डिस्टॉर्ट हो सकते हैं पर स्टोरी सेम है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर, ये बहुत समझने वाली चीज है। सो इसके अंदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एज अ कंपनी इज क्रिएटेड एज ह्यूमन, इट इज नॉट नेचुरल, इट्स एन आर्टिफिशियल एंटिटी विच कैनॉट बी फॉर्म्ड ऑन इट्स ओन, इट हैज टू बी क्रिएटेड, बट क्रिएशन विल बी जुडिशियल, दैट इज लीगल अंडर एनी लॉ इन अ फोर्स इन अ टेरिटोरी ऑफ एनी कंट्री, क्लियर है। सो ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का कैरेक्टर है, समय दूंगा लिख लो फटाफट। लिखो फटाफट, थैंक यू सो मच गाइस। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका। ऑलरेडी कुणाल, मेरे चैनल दर्शन खरेज लॉजिक्स के ऊपर रिविजन्स अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हो। हमारा चैनल दर्शन करे लॉजिक्स, वहां पे रिवीजन अवेलेबल है, आप वहां से जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो डन एवरीबॉडी, तो यहां पे आपका सेकंड करेक्टर खत्म होता है, दैट इज कौन सा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तीसरा करेक्टर मैं दिखाऊंगा लेकिन आज समझाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा करेक्टर है, इसमें कई सारे केस लॉज है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी करके हमको ट्रेन करना है, पर ये आज समझ में नहीं आएगा, इसके ऊपर काफी केस लॉज वगैरह है जो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए आई गेस इतना हम काफी करते हैं, दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट, थैंक यू सो मच, ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।